वेलकम टू चट्ठा मीठा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी, क्रंची और अंदर से जूसी होगा। तो चलिए बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन 1/2 kg, और इसमें जाएगा 1 लेमन का जूस, नमक टेस्ट के हिसाब से, और सबको मिला लेना है अच्छी तरह से। नमक लेमन जूस को अच्छी तरह से चिकन के हर पीस में अच्छे से लगा देना है, और लगा के ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अभी आधा घंटा हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून मल्टीपर्पज़ फ्लावर यानी मैदा, और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्ची पाउडर और ओरिगैनो। इन सबको अच्छी तरह से मिला के एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। अभी हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हमने रेडी किया है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें एक अंडा डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून, इसको डाल के थोड़ा सा मिला लेंगे, और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा, वेजिटेबल ऑयल। कलर ऑप्शनल है, थोड़ा कलर डालने से अच्छा खुश रंग दिखता है, तो कलर डाल दीजिए। पुदीना बारीक कटा हुआ, पुदीने की पत्ती, हरी मिर्च, हरी धनिया बारीक कटी हुई सॉरी, और करी पत्ता ये भी बारीक कटा हुआ, थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी के हिसाब से डाल देना है। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून जो है जाएगा सोया सॉस, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और 1 टीस्पून जो है रेड चिल्ली सॉस और वाइट तिल जाएगा। और नमक आप टेस्ट एक बार कर लीजिएगा, और तीखा ज़्यादा चाहिए तो आप लाल मिर्ची भी ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आप। फिर देखिए, ये भी ज़रूरत थी और मिक्सचर की, कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर की, हमने यहाँ पे और मिला दिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। देखिए अभी पूरा रेडी हो गया है, अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया, कितना खुश रंग हो गया। इसको ढक के हम छोड़ देंगे, ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। और बस ये, अब देखिए तेल गर्म हो गया, एक एक करके फ्राई करना है। आप दावत अगर है तो बना के एक दिन पहले भी इसको रख के फ्रिज में रख के छोड़ दीजिए, मसाले लगा के, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। और 5 से 6 घंटा तो मसाले में रहना अच्छा रहता है, मसाला अच्छे से पी लेगा। अब इसको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से सिम फ्लेम कर करके इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है इसको है, और ताकि अच्छी तरह से जो चिकन अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। देखिए फ्राइड एकदम गोल्डन करना है, गोल्डन ब्राउन, एक हमारा चिकन एकदम खूब अच्छे से एकदम गल गया है। 10 मिनट लग जाता है, 10 से 15 मिनट लग जाता है फ्राई करने में। और ये देखिए हमारा चिकन कबाब जो है, फ्राइड चिकन कबाब एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची है। और देखिए इसको आप तोड़ के देखिए, बिल्कुल अंदर से देखिए बहुत अच्छी तरीके से, ये देखिए एकदम पक गया है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बना के खाइए इस तरह से चिकन कबाब, बिरयानी के साथ, रोटी के साथ, ऐसे ही शाम के स्नैक्स में। और अगर ये आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।